जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है तो ऐसा मंजर देखने को आता है जैसा कि हिमाचल प्रदेश में देखने को आया। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है वहाँ पर, लेकिन इतनी बड़ी खिलवाड़ हुआ, ब्यास नदी में इतना ज़्यादा उफान आया, तांडव हुआ कि बहुत सारे होटल, भवन, राजमार्ग और सरकारी, गैर सरकारी, व्यक्तिगत संस्थाएं और संपत्ति नष्ट हो गए। लेकिन ब्यास नदी के बीचों बीच में जो पंचमुखी शिव जी का मंदिर है, जो पंचवक्त्र मंदिर के नाम से मशहूर है मंडी में, वहाँ पर ब्यास नदी के कि चारों तरफ मंदिर के 20 फीट के आसपास में पानी भरा, इतना तेज नदी थी, धारा विपरीत हो गई, लेकिन उस मंदिर को कुछ नहीं बिखरा जैसे कि केदारनाथ में हुआ था। और इस तरह की उस मंदिर को कुछ नहीं बिखरा और ये मंदिर 16वीं-17वीं शताब्दी में 1684 में शुरू हुआ था और 1727 में बना। सिंह नामक राजा ने इसे बनाया और यह मंदिर के विषय में कहा जाता है कि व्यास जी शिव जी को पैर धोते हैं, पैर छूते हैं और यह नदी को कुछ नहीं बिगड़ा है। और यह नदी का जो तांडव था उसको देखने से लगा बहुत कुछ तबाह आ गया, बस बना रहा है, ट्रक छोटी छोटी गाड़ियाँ कारें बन रही हैं और सेकेंडों में 4 तल्ला 5 तल्ला का जो होटल है, भवन है, गिर गया और तबाही तबाही। और उस स्थिति में ये मंदिर बच गया। इसी का कहा जाता है कि भगवान हैं और मंदिर की ऊर्जा है। जो लोग नास्तिक हैं उनको समझे और देखें किस तरह मंदिर बच गया है। ए नास्तिकों के ऊपर बड़ा चोट है। जय शिव शंकर।